छह महीने का बजट इतना बड़ा 48 लाख करोड़ का बजट है, अब उसके बाद आप रो रहे हैं, सर पटक रहे हैं, तो उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। कल संसद में बजट पेश किया गया जिसको लेकर इंडिया गठबंधन विरोध प्रदर्शन कर रहा है। इसी पर अब भाजपा सांसद मनोज तिवारी का बयान सामने आया है। देखिए, विपक्ष गिरा पड़ा है क्योंकि बजट इतना बैलेंस्ड है, देश के हर कम्युनिटी के लिए, हर राज्य के लिए ये 2024 का बजट कुछ न कुछ बहुत खास लेके आया है। देश के युवाओं के लिए, देश के 4 करोड़ इम्प्लॉयज के लिए, जो बिहार और आंध्र प्रदेश के साथ साथ झारखंड के लिए, हिमाचल के लिए, उत्तराखंड के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए, ये सब तो विधिवत नाम पढ़े गए हैं। इसके बाद विपक्ष को सूझ नहीं रहा है कि वो विरोध करे तो कैसे करे। कल जो कुछ कहा है राहुल गांधी ने, उसी में पता चलता है कि ये बजट बहुत अच्छा है। इन लोगों ने क्या कहा कि ये बजट सरकार बचाओ बजट है, तो सरकार गिराओ बजट बना दें हम। भाई, जब बजट सरकार को बचाने वाला है, इस सरकार को मजबूत करने वाला है, इसका मतलब अच्छा बजट है। अब उसके बाद आप रो रहे हैं, सर पटक रहे हैं, तो उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। मैं इस देश के युवाओं को कहता हूं, 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप शुरू हो रही है, उसका लाभ लीजिए। जो 4 करोड़ इम्प्लॉयज हैं, उनको जो प्रत्येक परिवार को 17,500 रुपए का डायरेक्ट बेनिफिट हुआ है, वो उसका लाभ लें। और लेदर की बनी चीजें सस्ती हुई हैं, मोबाइल के यूजर्स को 15% डिक्रीज हुआ है खर्चा, ऐसे मछुआरों का बहुत कल्याण हुआ है, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें आई हैं, तो इसका लाभ देश ले। और इसके बाद भी याद रखिए, ये 6 महीने का ही है, अंतरिम बजट आ चुका था फरवरी में, और 6 महीना बाद फरवरी में फिर आएगा, तो 6 महीने का बजट इतना बड़ा 48 लाख करोड़ का बजट है। इस देश में 48 लाख करोड़ का बजट आना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी खुशी का विषय है, और मैं समझता हूं अगर ये कोई कर सकता है तो नरेंद्र मोदी कर सकता है। कह रहे हैं कि सरकार की कंपल्शन होती है, हर राज्यों को ध्यान देना चाहिए था, लेकिन ये 3 राज्यों के ही बजट रहेगा। देखिए, ये लोग कभी भी स्टडी नहीं करते हैं। 48 लाख करोड़ के बजट में 26,000 करोड़ बिहार को, 15,000 करोड़ आंध्र प्रदेश को, तो इसके बाद 48 लाख करोड़ में कहां से आया, किधर गया है पैसा? अरे भैया खड़गे जी, खुद नहीं पढ़ेंगे तो कुछ लोगों को लगा दो, पढ़ लिख लेंगे।